नमस्ते, मैं हूँ स्वाति और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। मनोज तिवारी दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं। अक्सर जब मुंह खोलते हैं छिछली बातें बोलते हैं। विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए वो छत्तीसगढ़ पहुँचे। वहाँ मनोज एक चुनावी रैली में भाषण दे रहे थे। चुनाव का मौका यानी राजनीति और छिछले का पीक टाइम, ऐसी चीज़ों में मनोज तिवारी भला कैसे पीछे रहते। दांत निपोर कर, खीसे निकाल कर, सिर हिलाते हुए बोले, अगर सोनिया गांधी ने छठ किया होता तो उनके घर बुद्धिमान बच्चा पैदा होता। छठ पूजा करने से संतान बुद्धिमान और देशभक्त पैदा होती है। मनोज तिवारी नेता बनने से पहले भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार थे। उनकी कई फिल्मों में एक किस्म का फूहड़पन दिखता था। तब हमको लगता था कि ये शायद स्क्रिप्ट की डिमांड होती होगी, लेकिन जब मनोज पॉलिटिक्स में आए तब पता चला कि फूहड़पना उनके अंदर कूट कूट कर भरा है। उनका स्टाइल ऐसा ही है, फालतू और घटिया बातें करना। अव्वल तो ऐसा घटियापन दिखाने वाले नेताओं को रत्ती भर भी फुटेज नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन बीजेपी ने जिस इंसान को दिल्ली में पार्टी का नंबर वन बनाया हो उसकी ऐसी बेहूदगी चाह कर भी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती है। ये जनाब एक बार एक महिला सांसद को सांसद होने की गरिमा सिखा रहे थे। हमारे इधर एक कहावत है, अपन माथ के टेटर ककरों ने दिखाई छे, मतलब अपने सिर पर लगी चोट नहीं दिखती है लोगों को। वरना मनोज तिवारी को समझ होती कि वो एक साथ तीन सांसदों की मर्यादा गिरा रहे हैं, एक सोनिया गांधी, दूसरे राहुल गांधी और तीसरे खुद मनोज तिवारी। चूंकि किसी और के ओछेपन से दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ता, सो ले देकर मनोज तिवारी ने बस अपना ही चरित्र दिखाया है, खुद के मुंह से खुद पर दाग लगाया है। एक और बात है, उन्होंने छठ का जिक्र किया। क्या छठ रखने वाली सारी माओं के बच्चे समझदार और देशभक्त निकलते हैं? ऐसा होता तो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में समझदारों की बाढ़ आ गई होती। फिर ये बात भी है कि हमने पहले कभी छठ के साथ देशभक्ति वाली बात नहीं सुनी। देशभक्ति ना हुई नमक हो गया, जहाँ मन करे स्वादानुसार छिड़क लो। और क्या जो माएँ छठ नहीं रखती हैं उनके बच्चे समझदार और देशभक्त नहीं निकलते? मनोज तिवारी अपनी ही पार्टी में ये सवाल पूछ लें। नरेंद्र मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, अरुण जेटली, इनमें से किन्हीं के यहाँ छठ नहीं मनाया जाता होगा? मनोज तिवारी इन्हें समझदार और देशभक्त मानेंगे कि नहीं? संघ वाले मोहन भागवत के यहाँ भी नहीं मनता होगा छठ, तो मनोज तिवारी के मुताबिक क्या वो भी समझदार और देशभक्त नहीं है? जिन एपीजे अब्दुल कलाम को भाजपा पूजते नहीं थकती उनका क्या? और जिन सरदार पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति पीएम नरेंद्र मोदी ने लगवाई है उनके बारे में क्या ख्याल है? छठ देश के एक बेहद छोटे हिस्से में मनाया जाता है, तो क्या बाकी भारत में पैदा होने वाले सारे बच्चे मूर्ख और देशद्रोही निकलते हैं? एक सलाह है मनोज तिवारी के लिए, उन्हें अपने दिमाग और अपनी जुबान का इलाज करवाना चाहिए। दिमाग में कूड़ा भरा होगा तो मुंह से कचड़ा ही निकलेगा। ताज्जुब है कि उनके यहाँ छठ मनाया जाता है फिर भी वो ऐसे हुए। उनकी थियोरी के हिसाब से तो उनको समझदार होना चाहिए था। एक सबक लोगों के लिए भी है, जब भी कोई नेता किसी दूसरे नेता की आलोचना करने के लिए गंदे लेवल पर जाए तो समझिए कि उसके पास शायद आलोचना और विरोध की कोई ठोस वजह नहीं है। बात कहने को बात होगी तो कोई बकवास क्यों करेगा? बकवास कर रहा है माने उसको बस यही आता है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक कीजिए। अगर यूट्यूब पर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो भी करिए। और लल्लन टॉप की खबरें, इसके वीडियो तुरंत आपके पास पहुँचें, इसके लिए आप हमारा ऐप भी इंस्टॉल कर लीजिए। शुक्रिया।